चार स्टेटमेंट्स को जब गौर से देखोगे, इन वर्ब्स में क्या फर्क है, स्ट्रक्चर्स में क्या फर्क है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है जीरो कंडीशनल का है, ये फर्स्ट कंडीशनल का है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है। फिर मोस्ट प्रोबेबली अगर हो सके आप तो मीनिंग के लिहाज से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करो कि इन कंडीशनल्स में क्या फर्क है। तो इसके बाद क्या हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है? हाँ खत्म होता है, लेकिन एक फाइनल लेक्चर में इस पे दूंगा जिसमें मैं फिर बात करूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, नंबर वन कैसे पूछा जा सकता है, नंबर टू हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट कंडीशनल था, थर्ड कंडीशनल, परफेक्ट कंडीशनल। उस कंडीशनल में से क्वेश्चन एक डिफरेंट वे में पूछा जाता है हमारे एग्जाम में कभी कभार। वो कौन सा स्ट्रेंज वे है, कौन सा स्ट्रेंज तरीका है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है? जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि बाकी कंडीशनल्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे नहीं बल्कि परफेक्ट कंडीशनल में से एक और तरीके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर वे इन व्हिच क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंडीशनल थर्ड कंडीशनल, विल टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर फैशन एज वेल। हम उस फैशन की भी बात करेंगे, सो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तो फिलहाल कंडीशनल्स का हमारा टॉपिक खत्म होता है। मैं एक बार एक ओवरव्यू दूंगा, जीरो कंडीशनल, प्रेजेंट सिंपल, पॉसिबल कंडीशन एंड देन मोस्ट लाइकली रिजल्ट। पॉसिबल कंडीशन प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, पॉसिबल कंडीशन लाइकली रिजल्ट, पास्ट सिंपल एंड वुड प्लस वी वन, दैट इज वुड प्लस प्रेजेंट सिंपल। ओके फाइन, एंड देन दिस इज द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन एंड अनलाइकली प्रेजेंट आर फ्यूचर रिजल्ट, अनलाइकली रिजल्ट इन प्रेजेंट आर फ्यूचर, फाइन अनलाइकली रिजल्ट। एंड नेक्स्ट दिस इज हैड प्लस वी थ्री, दैट्स पास्ट परफेक्ट, प्लस वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री, दैट्स वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज द अनरियल सिचुएशन ऑफ पास्ट एंड मोस्ट अनलाइकली रिजल्ट, दिस इज द जनरल ओवरव्यू। तो इसके बाद आप फिर खुद एक बार फोकस करो, जो भी एग्जाम्पल्स हमने अभी तक पढ़ी है आप अगर उनको रिपीटेडली देखोगे एंड विल पे मेटिकुलस अटेंशन, अगर आप गौर से देखोगे, बहुत ज्यादा ध्यान उस पे दोगे एंड ट्राई ना डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल दीज एग्जाम्पल्स, फिर उन एग्जाम्पल्स को आपस में उनमें फर्क ढूंढने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी तक बहुत सारा क्लियर हुआ होगा, अगर कुछ रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, तो इसके बाद में एक और लेक्चर दूंगा इस टॉपिक पे जो मेरा फाइनल लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम इन सारे कंडीशनल्स के बारे में एक बार बात करेंगे। उसके बाद जो परफेक्ट कंडीशनल है, जैसा मैंने कहा कि इसमें से एक अलग फैशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज दैट फैशन, वो फैशन कौन सा है, व्हाट्स दैट वे, वो तरीका कौन सा है, विल टॉक अबाउट दैट इन माई नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।